जी कौन? हेलो, मैं अकाउंट डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ क्योर हॉस्पिटल के। जी फरमाइए। आपके मिसेस यहाँ एडमिट हैं? जी मेरी मिसेस। जी उनके कुछ ड्यूज हैं जो पे होने हैं। कब तक क्लियर करने? बस जितने जल्दी हो सके। एक घंटे तक आ जाएगा मेरा बंदा, पे कर देगा। ओके थैंक यू। भाई किसकी कॉल थी? प्योर हॉस्पिटल से कॉल थी सारा। हमें क्यों कॉल कर रहे हैं? यावर को कॉल करें? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी याजी साहब। जी वालिम साहब। क्योर हॉस्पिटल देखा है आपने? हाँ हाँ वही वही। वहाँ चले जाइए, रिसेप्शन पे मेरी मिसेस के नाम से कुछ पहले वो क्लियर कर दीजिएगा। और सुनिए, एडवांस भी जमा करवाइए, कि आने वाले वक्त में भी ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल करती रहे। जब तक जिएगी दिलनशीन पछताती रहेगी। साफ जाहिर है मां, जिसके लिए उसने हमें छोड़ा उसी ने उसे छोड़ दिया। और उसकी मां को देखा था कितना शोर शराबा किया उसने, इसीलिए शायद उसके घर वाले भी नाला होंगे। तुम्हें कोई फोन किया उसने? जी मां, कॉल भी आई थी, मैसेजेस भी। वो यही कह रही है कि वो इस बात को खत्म करने गई थी, मना करने गई थी, लेकिन जब उस लड़के को पता चला कि वो प्रेग्नेंट, तो उसने गुस्से में जाके एक्सीडेंट कर दिया। सवाल तो ये है कि ये सिलसिला था ही क्यों? जब एक अच्छी बीवी होने की इतनी अच्छी अदाकारी कर रही थी तो फिर ये सब क्यों? तुम्हें क्यों धोखा दिया उसने? नहीं, धोखा नहीं दे रही थी। बहुत पहले तलाक मांग ली थी उसने मुझसे। मैंने मोहलत मांगी थी उससे। क्यों? ताकि आपकी तबीयत ठीक हो जाए, आप बेहतर हो जाए, फिर उसके बाद जो भी कदम उसने उठाना है वो उठा ले, चली जाए बेशक। फिर तो अपने किरदार को अच्छी तरह निभा रही थी। मां आपको क्या हो गया? बेटा उसकी एक गलती की पादाश में उसकी तमाम अच्छाइयों को, खूबियों को सिफर कर देना कहाँ का इंसाफ है? गौर से एक मां, वो हमारे घर की बहू होते हुए किसी और से शादी करना चाहती थी, किसी और से मिल रही थी, जबकि सब कुछ खत्म हो गया है। हमारा बच्चा तक खत्म हो गया है। जब उस लड़के ने उसे फारिग कर दिया है तो उसे हमारे भाई की और हमारी याद आ गई। मां और आप बैठी उसके लिए इंसाफ की बातें कर रही हैं।
सारा बेहतर होगा कि बजाय जहर उगलने के तुम फैसला अपने भाई पे छोड़ दो। बाकी रह क्या गया है फैसला करने के लिए? अच्छा बस बस छोड़ दो इस टॉपिक को प्लीज। बस आप ठीक हो जाइए फिर से शुरू करूंगा जिंदगी। नशा इंसान को मदहोश कर देता है लेकिन ये नहीं पता था कि उसकी फितरत ही बदल के रख देता है। कोई बात बुरी लगी? सिर्फ बात नहीं, मुझे तुम पूरे ही बुरे लगने लगे। I think तुम अभी बहुत गुस्से में हो। अगर तुम्हें किसी भी बात का गुस्सा है तो तुम मुझे गालियां दे लो, मुझे जलील कर लो, मुझे बुरा भला कह लो, लेकिन इसे छोड़ने की बात मत करो प्लीज। तुम मुझे बहुत पहले छोड़ चुके हो और मैं भी तुम्हें छोड़ चुकी हूँ। हमजा सादिक, आपका निकाह अफजिया हारून के साथ बेवज़ 2 लाख रुपए हक महर तय पाया है, आपको कबूल है? चलिए, मैं नहीं आता तुम्हारे पास, मैं रह नहीं पाऊंगा तलिश। ये मत कहो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं हुई। हमजा, I'm pregnant। कबूल है? कबूल है? कबूल है? कबूल है? कबूल है? उसे 7 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आंखों में थी मेरे
मोहब्बत से मिलना तुझे अभी मुझे में वो लगन बाकी तो है ये बेइंतहा अपनी फैमिली को कॉल करके बोल दें कि आपको कल 12 बजे लेने आ जाए, आपकी छुट्टी हो जाएगी कल। मेरा फोन कोई नहीं पिक करेगा, आप ही बता दें। लेकिन मैंने कॉल की थी। किसको? आपके हस्बैंड को। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके भाई को कॉल कर दूं। वैसे उन्होंने अपने किसी बंदे को भेज के अकाउंट्स पे सारे ड्यूज क्लियर कर दिए हैं। लेकिन फिर मैंने आपके भाई को कॉल की तो उन्होंने बोला कि हमें कॉल करके बार बार परेशान मत करो, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। तो अब आप ही बताएं कि इसमें अस्पताल वाले क्या कर सकते हैं। आप जो कपड़े पहनकर आई थी वो भी सारे खराब हो चुके हैं, अब आप ही बताएं क्या हो सकता है। आपका तो कोई वारिस बनने को तैयार नहीं है। आप मुझे एक फेवर दे सकती हैं? कोई पुराना जोड़ा ला दीजिएगा, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं ला देती हूँ आपको। थैंक यू। ये लो मिठाई खाओ। क्यों आई है? मिठाई तकसीम करी थी अपने बेटे के निकाह की। मुबारक हो। अफसोस तो हुआ होगा ना कि मेरे बेटे ने तुम्हें ठुकरा कर मेरी भतीजी से निकाह कर लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि छोड़ा उसने नहीं बल्कि मैंने उसे है। तो इसे ही कहते ना, लोमड़ी को अगर अंगूर नहीं मिले तो खट्टे। मैं जानती हूं और ये मानती हूं कि पहले आप लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया था, मगर इस बार मैंने आपके बेटे को रिजेक्ट किया है। जानती हैं क्यों? क्योंकि आपने अपने बेटे को अपनी जिद और अपनी अना के हाथों बर्बाद कर दिया है। और जहां तक बात है आपकी भतीजी से शादी करने की, उसके लिए भी मैंने ही उसे आमादा किया है। बस अब मेरी दुआ है कि वो आपकी भतीजी के साथ अपना घर बसा ले।
वरना अपने अपने बेटे को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर औलाद पालना सीखनी है तो मेरी सास से जाके सीखिए। क्या? तुम्हारी सास जिसने पलट कर तुम्हें पूछा तक नहीं, और तुम्हारे शौहर की तो मैंने ऐसी तबीयत साफ की है वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। तो फैसे शौहर पर जिसे यही नहीं पता कि उसकी बीवी कहां मुंह काला करती फिर रही है। बस मैं आपको इस काबिल भी नहीं समझती कि मैं आपको अपने किरदार की पाकीजगी की गवाही दूं। मगर आप देखेंगी और ये दुनिया भी देखेगी कि मैं अपने शौहर के घर में बस के दिखाऊंगी। मेरी ही नादानी से ये घर खराब हुआ है। अब मेरी ही कुर्बानी से ये घर सही होगा। आप जाएं यहां से, प्लीज चली जाइए। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अगर यही बात पहले समझ आ जाती तो ये दिन ही नहीं आता और हम भी जिल्लत से बच जाते। अफसोस तो हुआ होगा ना कि मेरे बेटे ने तुम्हें ठुकरा कर मेरी भतीजी से निकाह कर लिया। शरीर में नहीं आता तुम्हारे पास, मैं रह नहीं पाऊंगा तलाशी। बताओ क्या करूं कि तुम्हें मेरी बात पे यकीन आ जाए। तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार। कि मैंने क्या कर लिया अपने साथ, यूं भरी दुनिया में खुद को अकेला कर दिया। कुदरत ने तो मुझे हर रिश्ते से नवाजा था, हर वो रिश्ता जिसमें छांव होती है, वकार होता है, भाई शौहर घर माँ ससुराल सब क्या नहीं था मेरे पास। मुझे किसी गैर लड़की की बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। शौहर कॉम्प्रोमाइज कर तो रहा था मेरे माजी के साथ, मुझे बातों में आने की क्या जरूरत थी, वो भी उस शख्स के जो मुझे तब ना अपना सका जब मैं अकेली थी। वो अब क्या अपनाता, मुझे अपने मदार से हिलना ही नहीं चाहिए था।
मैडम आप? हैदर साहब घर पे हैं? मैम वो बड़ी बेगम साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो अस्पताल में होते हैं, रात को आते हैं सिर्फ सोने। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका। जो आँखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें सुन ना सका। चलते चलते वो साए जैसे ढलते रहे, क्यों ये फासले सदा दरमियां हो। वो मिला क्यों था, अगर उससे बिछड़ना था वो पत्थर दिल का था, शायद मुझे आखिर ठीक से। तुम ठीक हो? जी। मामा ने ये तस्वीर यहां पे लगा दी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तस्वीर ही है। चली जाओगी तो उतरवा के। तुझे चाहना मोहब्बत से मिलना, तुझे अभी मुझ में वो लगन बाकी तो है। ये बेइंतहा तेरे बिन सुलगना मेरा, मेरी सांसों में अगन बाकी तो है। क्यों आई हो? अपने घर आई हूं। अब यह घर तुम्हारा नहीं है। अगर मैं तो आज भी आपके निकाह में हूं, आपके दीवार पे हमारी तस्वीर है, आपके मुलाजिम आज भी मुझे आपकी बीवी समझते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिला तुम्हें अपने आप से अलग करने का।
तुमसे अलग नहीं होना चाहती है हैदर। और अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। पर फैसला करने का हक तो आपने मुझे दिया था ना। हाँ तो उसके पास जाके सुना तो दिया तुमने अपना फैसला। हैदर मैं वहां सब कुछ खत्म करने गई थी। नहीं, वहां सब कुछ खत्म हो गया इसलिए तुम वापस आई हो। हैदर प्लीज नहीं, मेरा एतबार कर। तुम पे और एतबार नहीं किया जा सकता दिलनशीन। तुम प्लीज अभी और इसी वक्त इस घर से चली जाओ। मुझे आपके घर के अलावा कहीं नहीं जाना। और अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरा यकीन करें, मैं वहां सब कुछ खत्म करने गई थी। मैं उसे बताने गई थी कि मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसी गुस्से में उसने वो एक्सीडेंट कर दिया और हमारा नहीं, हमारा नहीं कहना, खुद तुम्हारा बच्चा, मेरा बच्चा था जिसे तुमने अपने महबूब के साथ मिलके खत्म कर दिया, मार दिया मेरे बच्चे को। है क्या कुछ सहा है मैंने? तुम्हें अंदाजा है कि भरे हॉस्पिटल में सबके सामने उस लड़के की मां ने मुझे कितनी बातें सुनाई? एक लफ्ज नहीं बोला मैं, नहीं बोला। मार दिया, जीते जी मार दिया, मेरी दम तोड़ती मां को मार दिया उस औरत ने, पर नहीं बोला मैं। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है दिलनशीन, नहीं है इतना बड़ा दिल मेरा कि ये सब कुछ हो जाने के बाद सब बर्दाश्त करूं मैं। तुम देखता रहोगा ना तो दिल बंद हो जाएगा। चली जाओ, खुदा के लिए चली जाओ यहां से। I'm sorry, मुझे माफ कर दे। कुछ बातों की माफी नहीं होती है दिलनशीन। तुमने अपने हाथों से बर्बाद किया है ये सब, मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, हर चीज को दुख और दर्द से भर दिया तुमने। चली जाओ यहां से वरना शूट कर लूंगा मैं अपने आप। जस्ट गेट आउट। जीऊं मैं जरा, मुझे दे तू दिल में जगह, धूप में साया तेरा, तेरे बिना ही सुकून जिंदगी में कहीं थी, गुजरा है दिल पंजर मेरा, अंधेरे मेरे गहरे सितारों से पहरे, मेरे गम की रात
मेरा यकीन करे। मैं वहां सब कुछ खत्म करने गई थी। मैं उसे बताने गई थी कि मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसी गुस्से में उसने वो एक्सीडेंट कर दिया। कहाँ हो तुम? सैलून में हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ हमजा। तुम हमजा से बात कर रही थी? जी, उसी से बात कर रही थी। इतनी डर, इतनी दीदा दिलेरी कि तुम इस बात को मेरे सामने कबूल कर रही? ना कोई डर, ना कोई खौफ, ना चेहरे पे कोई शर्मिंदगी, ना आंखों में। क्या ये सब? ये लिहाज भी आप लोगों के शक ने ही मेरे अंदर से खत्म किया है। थक चुकी हूं मैं अपने किरदार की पाकीजगी की गवाहियां दे देकर। जब मेरी आपसे शादी हुई थी, मैं बिल्कुल दिल से आपकी तरफ बढ़ी थी। हमजा कहीं नहीं था मेरे दिलो दिमाग में, मगर एक ही बात कह कह कर उसे मेरे दिमाग में डालने वाले आप हैं।